हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माय पाठशाला रेलवे एग्ज़ाम में। और आपको जैसे कि पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखो भाई होता क्या है ना कि 90% बच्चे एकदम लेट ही जाते हैं। अब होता क्या है कि क्या वो 90% बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं? हाँ, वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, खासकर जीएस से संबंधित ये स्ट्रैटेजी है और किस तरीके से आपको कम समय में कम पढ़कर ज़्यादा अंक ला सकते हैं, उस पर बात चलने वाली है आज। चलिए तो हम लोग पहले समझते हैं कि किस तरीके से आपका एसएससी जीडी का पेपर जो है उसमें क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं। तो पहले याद रखिएगा कि पहले जो आपका पेपर होता था वो ज़्यादा अंकों का होता था, ठीक है, 100 क्वेश्चन आते थे, पर अब इन क्वेश्चनों को कम कर दिया गया है। टोटल 80 क्वेश्चन अब आते हैं, जिसमें से 20 जो हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके होते हैं सामान्य ज्ञान के, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक गणित, जिसको हम लोग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहते हैं, उसके 20 क्वेश्चन और अंग्रेजी या हिंदी जो भी आपने लिया है उसके 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर देखा जाए तो हर क्वेश्चन का यहाँ पर जो वैल्यू है, जो मार्क्स है, वो बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि इस बार एसएससी जीडी ने सोच लिया है कि हम लोग क्वेश्चन कम पूछेंगे पर क्वालिटी क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा, जो सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है, वो अब करने लगता है जीएस। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर उन्होंने क्वालिटी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया तो टेक्निकल क्वेश्चन वो पूछेंगे जिसमें आपका दिमाग लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है कि सब में तो दिमाग लगना है, रीजनिंग का लेवल वो बढ़ाएंगे, ठीक है, आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वो बढ़ाएंगे और हिंदी और इंग्लिश का लेवल भी वो बढ़ाएंगे, तो भाई सीधी सी बात है, कम समय में ज़्यादा अंक लाने के लिए आपके पास बचता है सामान्य ज्ञान। और आज की जो स्ट्रैटेजी है वो उसमें कैसे आप 35 प्लस ला सकते हैं, आपके 15 क्वेश्चन से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि बच्चों के दिमाग में ना कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले तो मैं उन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ कि जो उन्होंने पूछे थे। पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या करें सर, क्या करें, अब एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, नोटिफिकेशन खुल चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, खत्म होने की कगार पर है, क्या करें, क्या अब श्योर सिलेक्शन हो सकता है? हाँ, अभी भी श्योर सिलेक्शन हो सकता है और आपको मनचाही पोस्ट भी मिल सकती है। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको जो मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें करनी है और आपको अलग अलग वीडियोस में बना के दूंगा, जिससे कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपको बनाकर हम लोग देंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछा था वो पूछा सर कौन सी चीज़ एग्ज़ाम क्लियर कराएगी। तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर दे देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सी चीज़ एग्ज़ाम क्लियर कराएगी, वो केवल एक ही चीज़ है और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है जीएस। क्योंकि सारे क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बढ़ा दिया गया है और समय उनमें ज़्यादा लगने वाला है, पर जीएस में अभी भी उतना ही समय है। अगर आपने जीएस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 35 से प्लस अंक ज़रूरी हैं, हो जाएंगे आपके, और हो जाएंगे तो भाई सीधी सी बात है आप बाकियों से बढ़ोतरी प्राप्त कर लेंगे। अब क्या अभी भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। हो पे मैंने सकता इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बच्चे यहीं पर रुक जाते हैं। क्या एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, बस चाहिए तो क्या, सही स्ट्रैटेजी आपको देखनी है। तो आज की जो स्ट्रैटेजी है वो जीएस की स्ट्रैटेजी है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जीएस का जो सिलेबस है वो क्या है। तो जीएस का जो सिलेबस है उसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश, और इसके बाद आपको मिलता है भूगोल। तो भाई अगर वो चाहते तो भूगोल में ही भारत और उसके पड़ोसी देश लिख देते, पर उन्होंने अलग से भारत और उसके पड़ोसी देश लिखा है। इसका मतलब है अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत और उसके देश। तो भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो भारत और उसके पड़ोसी देश में आपका पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार। अब देखिए मैं जो टॉपिक्स आपको लिखवा दे रहा हूँ ना, वही टॉपिक्स बस पढ़ लीजिएगा, उससे काम बन जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश, उसके साथ साथ भारत की ही जलवायु पढ़ लीजिएगा, भारत की जलवायु पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर आप नहीं कर लिया। इसके बाद खनिज साधन पढ़ लीजिएगा, खनिज संसाधन, नदियां पढ़ लीजिएगा, पहाड़ और झीलें, ठीक है,
और ये केवल और केवल भारत के नहीं बल्कि पड़ोसी देश के भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो ही आप इसको पूरा कर पाएंगे। अब ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी का तो पूरा का पूरा, जिसमें भूगोल जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भौतिक भूगोल आता है, तो भौतिक भूगोल से बिल्कुल सवाल अब आते नहीं हैं और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सर भौतिक भूगोल, सर क्वेश्चन तो पिछली बार आए थे, अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन केवल उतने ही आए थे जितने आपके भारतीय भूगोल से संबंधित थे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय भूगोल से संबंधित थे और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आया था। भले ही वो भौतिक भूगोल के हों परंतु भारतीय भूगोल से जुड़कर ही वो क्वेश्चन बना था। और दूसरी चीज़ एक बता दूं आपको कि करंट अफेयर से जुड़कर बनता है, ठीक है, तो करंट अफेयर अगर आप जोड़ लेते हैं तो भी काम आपका बन जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद अगर देखें तो इतिहास वाला जो हिस्सा है, कौन सा? इतिहास वाला हिस्सा। तो ये जो इतिहास वाला हिस्सा है इसमें केवल और केवल आपको आधुनिक भारत पर हिस्सा लेना है, और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का जो पोर्शन है वो केवल और केवल उतना ही आता है जितना आपने ऊपर किसी भी किताब से पढ़ लिया है। सबसे ज़्यादा डीप में अगर कोई पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, जैसे कि आपको पता है चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसके बाद आपके चंद्रशेखर आज़ाद याद रखिएगा, और उसके बाद आपके सुभाष चंद्र बोस, इन सबसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये करंट में न्यूज़ में चल रहे थे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इतिहास में केवल और केवल आपको आधुनिक इतिहास ही पढ़ना है, आधुनिक इतिहास, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्थिक दृश्य, आर्थिक दृश्य आप अगर चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन इससे आएगा तो आपको वो आर्थिक दृश्य पढ़ना है, तो सिर्फ इतना पढ़ लीजिएगा कि भारत का जो, ठीक है, करंट जो है, भारत में जो करंट है आर्थिक विषय से, उतना पढ़ लेंगे उससे काम आपका चल जाने वाला है। फिर जो सबसे तीसरी चीज सबसे ज़्यादा आती है वो है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को अगर आप देखेंगे तो पिछली बार से जुड़ा हुआ कैसे आया था, करंट से जुड़कर यहाँ पर आया है, तो करंट से ही जुड़कर भारतीय संविधान आता है। बोले सर करंट से कैसे जुड़ेगा भारतीय संविधान? भाई देखिए अभी क्या हुआ, आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो कौन बने हैं राष्ट्रपति, कौन बने हैं उपराष्ट्रपति, कैसे होता है चुनाव, कैसे आपके उनको निकाला जाता है, तो वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे गवर्नर जो राज्यपाल है उससे सवाल पूछा जा सकता है, और आपके संशोधनों से सवाल पूछा जा सकता है। जैसे आपको पता होगा अभी क्या हुआ, जो अन्य पिछड़े वर्ग का जो आयोग है उससे संबंधित काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में चल रही थी, तो वही आपसे पूछेंगे। तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से अलग अलग आयोगों को देखना है, और आपके भाग मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से भाग पूछे जा सकते हैं। भाग 1, 2, 3, 4 और 5, केवल आपने 5 भाग पढ़ लिए, टोटल कितने भाग होते हैं, पहले 22 से फिर 25 हो गए, तो टोटल 25 भागों में से केवल अगर आपने 5 भाग पढ़ लिए हैं तो भी आपका पूरा भारतीय संविधान हो जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान ये सीधे सीधे उन्होंने दे दिया है कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं, आपको उसकी एक लिस्ट बनानी है, वैज्ञानिक संस्थान भारत में कौन कौन से हैं, और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगाने हैं जो SSC में आए हुए हैं। मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे वैज्ञानिक अनुसंधान आपको करवा दूंगा, पर वो सारे के सारे जो हैं वो जो होंगे आप भी अपनी एक लिस्ट बनाइए और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही उठाइएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान उससे बाहर नहीं आता है, बार बार क्वेश्चनों को रिपीट किया जाता है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए सामान्य विज्ञान क्या है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी ही 12वीं पास है, तो यहाँ पे जो भी बच्चा है जो 12वीं पास किए हुए है उसका साइंस जो है वो ठीक ठाक होता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, बायो में अगर आपने पढ़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ रोग पढ़ लीजिए, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, रोग पढ़ लीजिए, और आप पढ़ लीजिए आपके विटामिन्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोषण, तो विटामिन्स और रोग अगर आपने कंप्लीट कर लिया और अलग अलग अंगों को बस हल्का हल्का ऊपर से देख लिया है उससे ही आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। देखें अगर आप ध्यान से देखें तो बार बार जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि करंट से संबंधित चीज़ें आ रही हैं, तो करंट अफेयर को सबसे ज़्यादा ध्यान में देना है और उसी से। अब देखिए खेल की जब मैं बात करता हूँ तो जैसे आपको पता है कि भारत अभी हाल ही में हार गया, ठीक है, और बहुत बुरा हारा इंग्लैंड से सेमीफाइनल्स में, तो अब इंडिया से संबंधित जो भी खेल हो रहे हैं, जैसे अभी चेस में बहुत अच्छा उन्होंने किया था, उसके बाद अगर बात की जाए तो टेनिस का, अभी आप लोगों का टेनिस का टूर्नामेंट हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट कहाँ हुआ, किसने जीता, बस
कहाँ हुआ, किसने जीता और किस चीज़ का वो टूर्नामेंट था। आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है और कुछ भी याद नहीं रखना कि कितने अंक आए थे, कितना स्कोर आया था, कितना मेडल आया था, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ कहाँ हुआ, भारत ने अगर उसमें कैसा प्रदर्शन दिया और अगर कोई वहाँ पे गोल्ड मेडल लाया है तो वो व्यक्ति कौन है जो गोल्ड मेडल लाया है, बस। आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है खेलों में। फिर संस्कृति, संस्कृति की जब मैं बात करता हूँ तो संस्कृति से जो सवाल है वो हमेशा आपके मध्यकालीन भारत से ही आते हैं। तो अगर आपने मध्यकालीन भारत में थोड़ी भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और जो करंट से संबंधित हैं, जो भी आपकी संस्कृतियाँ, जैसे एक बार पिछली क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ताजमहल में किस तरीके की कारीगरी की गई थी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, पर वो उस समय न्यूज़ में चल रहा था इसीलिए ही वो पूछा गया था, याद रखिएगा इस बात को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि करंट अफेयर से जो चीज़ें जोड़ोगे उसी से ही चीज़ें बनेंगी। अब होता क्या है कि करंट अफेयर से जोड़ना है भाई, सीधी सी बात है, तो सर करंट अफेयर कौन से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो याद रखिएगा करंट अफेयर्स मंथली वीकली जो है हम आप लोगों के लिए देंगे और उसी से संबंधित आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस भी आपको बनाकर देंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। पर आपको क्या करना है कि करंट अफेयर से पढ़ा, करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपकी हिस्ट्री है, जो भी ज्योग्राफी है, जो भी संस्कृति है, उन सारी चीज़ों को आपको अलग से लिखना पड़ेगा। और इतना करने में मुझे लगता है मुश्किल से, अगर आप देखें, और कितने महीने तक करना है, केवल और केवल 3 महीने नोटिफिकेशन और आपके एग्ज़ाम से केवल 3 महीने पहले तक का करना है। पूरा इतिहास मत उठा लेना, उससे फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि समय इतना नहीं है, आया समझ में। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज लेकर आऊँगा कि किस तरीके से एसएससी जीडी को आप सरल से सरल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, पर अगली बार जो वीडियो होगी उसमें मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक सीरीज चलाने वाला हूँ, जिसमें आपको बस इतना करना है कि उस 10 मिनट की वीडियो को देखना है और पूरा आधुनिक भारत खत्म, 10 मिनट का वीडियो देखेंगे पूरा मध्यकालीन भारत खत्म। इसी तरीके से आपके जो करंट अफेयर से खेल से संबंधित जो है 10 मिनट के मेरे वीडियोज रहेंगे, उसको जरूर से जरूर देखिएगा। तो तब तक के लिए जो मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया अगर, तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जय हिंद।